नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा में स्वर्गीय प्रमोद गुप्ता को न्याय की मांग को लेकर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने सौंपा ज्ञापन। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई एवं स्थानांतरण की मांग। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के पदाधिकारियों ने कलेक्टरेट में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं लचर है, जिसका परिणाम इस तरह की घटनाएं हो रहे हैं और सबसे अमानवीय व्यवहार जिले के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। पार्टी द्वारा निम्न बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपकर जिले के अमानवीय संवेदनहीन अधिकारियों को जिले से हटाने की मांग की गई। सर्वप्रथम होनहार छात्रा अनुष्का गुप्ता के इलाज में जो भी खर्चा आया है उसका भुगतान प्रशासन द्वारा किया जाए। स्वर्गीय प्रमोद गुप्ता जी को शासन की योजनाओं का लाभ न देने वाले गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अनुष्का गुप्ता पिछले 5 वर्षों से विकलांग है, लेकिन उनका विकलांग योजना के तहत पेंशन मिलने में इतनी देरी क्यों हुई? रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। स्वर्गीय श्री प्रमोद गुप्ता को न्याय दो, न्याय दो। स्वर्गीय श्री प्रमोद गुप्ता को न्याय दो, न्याय दो। स्वर्गीय श्री प्रमोद गुप्ता को न्याय दो, न्याय दो। भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य धर्म का रक्षक है। भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य धर्म का रक्षक है। सतना कलेक्टर का ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो। सतना कलेक्टर का ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो। डिप्टी कलेक्टर का ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो। डिप्टी कलेक्टर का ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। सतना कलेक्टर का